students. Today we are going to solve some problems of mathematics, page number 109 and 10. Here, see the page, see the value of each object given in the box. यहाँ पर कुछ object और उसके value लिखे हुए हैं. सब कुछ का कुछ ना कुछ वैल्यू है जो हम लोग को ध्यान देना है. जैसे यहाँ डॉल रुपीज 50, पेन रुपीज 35, बॉल रुपीज 25, कैप रुपीज 10, कैंडल रुपीज 3, बैट रुपीज 40, पेंसिल रुपीज 20, चॉकलेट रुपीज 4, कॉर्क रुपीज 5, बैलून रुपीज 15, रैकेट रुपीज 70, ऐसे दिया हुआ है. उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच केस. एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि सॉल्व भी किया गया है. क्या हुआ है, चॉकलेट, चॉकलेट का प्राइस कितना है यहाँ पर देखेंगे. चॉकलेट का प्राइस रुपीज 4 है, यहीं से ये प्राइस लिखा हुआ है रुपीज 4. उसके बाद यहाँ कैंडल का फोटो है, यहाँ भी कैंडल का फोटो खोजेंगे, कहाँ कैंडल का पिक्चर दिया हुआ और उसका प्राइस देखेंगे कितना है, तो 3 रुपीज़ है, तो रुपीज़ 3 यहाँ पे लिख देंगे. उसके बाद यहाँ एडिशन का सिंबल दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, अगर दोनों चीज़ खरीदना होगा कैंडल और चॉकलेट तो टोटल कितना कॉस्ट देना होगा. टोटल कॉस्ट 4 + 3 = 7, तो हम लोग को 7 रुपीज देना होगा. तो ये दोनों चीज मिल जाएगा, चॉकलेट और कैंडल. इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ रैकेट है जो कि रुपीज 70 में आया है. रैकेट का रुपीज 70 होगा. उसके बाद कॉर्क, रैकेट के साथ तो कॉर्क भी जरूरी है खेलने के लिए. कॉर्क का प्राइस देखते हैं, कॉर्क का वैल्यू कितना है, वैल्यू को ही प्राइस कहते हैं. यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे. उसके बाद यहाँ ऐड का सिंबल दिया हुआ, तो ऐड करेंगे 0 + 5 = 5, 7, 7 के नीचे कुछ नहीं है, 7 ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो रुपीज 75 हो गया. एक प्रॉब्लम सॉल्व किए, दो प्रॉब्लम इधर और है. यहाँ डॉल बना हुआ है, डॉल, डॉल का प्राइस कितना है 50. कैप का प्राइस रुपीज 10 है. आप लोग वैल्यू लिखते समय रुपीज भी जरूर लिखिएगा, ये लिखना जरूरी है, इसको छोड़िएगा नहीं. इससे पता चलता है कि हम लोग मनी ऐड कर रहे हैं और मनी चैप्टर पढ़ रहे हैं. 50 हो गया डॉल का वैल्यू, कैप हो गया रुपीज 10 का. अब दोनों को ऐड करना है, 0 + 0 = 0, 5 + 1 = 6. पहले एक हाथ का 5 उंगली निकालेंगे, फिर दूसरे हाथ का 1 उंगली निकालेंगे और ऐड करेंगे, कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 होगा और यहाँ रुपीस का सिंबल दे देंगे जिससे पता चले कि ये रुपीस 60 है. ये सिंबल देना जरूरी है, जरूर दीजिएगा. अब इसके नीचे देखते हैं क्या चीज का वैल्यू जानना है. बैलून का वैल्यू जानना है, बैलून का वैल्यू रुपीज 15 है. और पेंसिल का वैल्यू रुपीज 20 है. अब ऐड करेंगे, 5 + 0 = 5, 1 + 2 = 3,
तो यहाँ ₹35 हो गया। अब आप लोग ये पेज ध्यान से समझ लिए होंगे, जिस तरह से ये पेज बना उसी तरह से ये पेज भी बनाना है, यही सब ऑब्जेक्ट रहेगा और यही वैल्यू भी रहेगा जो लिखा हुआ है, ये इस पेज में लिखा हुआ है। आप लोग को भी यही सेम काम करना है, जो यहाँ किए हैं वही करना है। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट इन ईच केस, ये आप लोग अपने से बना करके भेजिएगा। थैंक यू।